Flow like water, so I'm going mainstream. Yep. हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि गूगल एडसेंस पिन को कैसे वेरीफाई करते हैं विदाउट वेरिफिकेशन पिन। ज़्यादातर यूट्यूबर्स पिन रिसीव नहीं कर पाते और इसकी वजह से उन लोगों के एड्स भी बंद हो जाते हैं। सो ऐसा मेरा साथ भी हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया लेकिन मेरे को पिन रिसीव नहीं हो गया, तो इसका हल मैंने निकाल दिया। चलो शुरू करते हैं। आपको लर्न एंड मोर पर क्लिक करने का है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पेज शो हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आपको पिन ट्रबल शूटर पर क्लिक करने का, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल चेक करने का है, ठीक है, जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर ये वही ईमेल है तो ये सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करने का है। नो आई हैव नॉट रिसीव्ड माय पिन, ओके। यहाँ पर ये सेलेक्ट करने का, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करने का। तो आपको ये कॉन्टेक्ट फॉर्म दिख जाएगा, जैसा कि कॉन्टेक्ट सपोर्ट टीम अभी मेरे को दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरे को ये पेज आ गया, ऐसा ही आप लोगों को भी मिल जाएगा। अगर आपने 4 मरतबा पिन रिक्वेस्ट किया हो और फिर भी आपको रिसीव नहीं हो गया, तो फिर आपको ये पेज दिख जाएगा 100%। कॉन्टेक्ट फॉर्म पर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पे नेम लिखने का, यहाँ पे आपको ओरिजिनल नेम लिखने का, जो नेम आपके आईडी कार्ड में है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स में है, वही नेम इधर ही लिखने का, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको अपना जीमेल लिखने का, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना पब्लिशर आईडी लिखने का है। पब्लिशर आईडी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अपना एडसन में आके फिर सेटिंग में जाइए, ठीक है। और सेटिंग में आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों का पब्लिशर आईडी है, ठीक है। ये कॉपी करके उधर पेस्ट करने का, इधर ही पेस्ट करने के बाद आप लोगों को एक बात का ध्यान रखने का है, आपने जो यहाँ पे नेम लिखा है ये आप लोगों को उधर गूगल एडसन में भी वैसा ही लिखने का है, ठीक है। सो चलिए पहला इसको ठीक करने का है, अपना गूगल एडसन अकाउंट में आने का है, ठीक है। फिर इसके बाद अपना पर्सनल सेटिंग में आने का और यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अपना नेम लिखने का, ओरिजिनल नेम। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखने का ऑप्शनल है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग को सेव करने का। आपकी सेटिंग सेट करने के बाद आपको पेमेंट पर क्लिक करने का और पेमेंट इन्फो में आपको ये पेज नजर आएगा। यहाँ पे आप लोग क्या करने गए, ये सेटिंग में जाके यहाँ जो यूजर का सेटिंग है इसमें अपना नेम चेक करिए कि ये ठीक है। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हाँ ये पब्लिशर आईडी भी ठीक है। इसके बाद मैनेज सेटिंग पर क्लिक कीजिए, ठीक है। मैनेज सेटिंग के बाद यहाँ पे जो पाई का नाम है वो लिखने का, ये पेमेंट यूजर का नाम है, इसको आपने अपना अपना ओरिजिनल नेम करवाने का, ठीक है। तो आइए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं मैनेज पेमेंट यूजर्स। इसके बाद यहाँ क्लिक करके अपना ओरिजिनल नेम टाइप कीजिए, इसको एडिट करते हैं अपना ओरिजिनल नाम लिखने का, ठीक है। यहाँ पे अपना ओरिजिनल नाम लिखने के बाद फिर से आपको सेव करना है। और सेव करने के बाद फिर से आपको ये कंफर्म करने का एक बार कि हाँ ये सब कुछ ठीक लगा हमने, ठीक है। फिर अपना सबमिटल फॉर्म पे जाने का, ठीक है। फिर यहाँ पे चूज फाइल्स करने का, चूज फाइल्स। और यहाँ पे मैं अपना क्या करता हूँ कि अपना ओरिजिनल आईडी का फ्रंट और बैक साइड सेलेक्ट करके इसके साथ साथ अपना पासपोर्ट का भी एक कॉपी अटैच करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया,
आईडी का बैक एंड फ्रंट साइड और पासपोर्ट कॉपी, और फिर इसके बाद एक लास्ट डॉक्यूमेंट में अटैच करूंगा बैंक स्टेटमेंट का। अगर आप लोग का बैंक स्टेटमेंट है तो बहुत आला, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो लाजिम अटैच करने का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने सब कुछ अटैच कर लिया है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान में रखने का, ठीक है, कि अगर आपका एडसन एड्रेस और आपके जो आईडी में एड्रेस है वो एक जैसा ही नहीं है तो फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी अटैच कर सकता है, आईडी भी अटैच कर सकता है, और आपका अगर आपके नाम पे अगर बिजली का बिल है तो वो भी अटैच कर सकता है। ठीक है, तो ये सब अटैच करने के बाद चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ओके, आफ्टर सबमिट विद इन 30 सेकंड आप लोग देखेंगे कि मेरे को एक मेल आया होगा, वो मैं चेक करेगा। विद इन 30 सेकंड मेरा अप्रूवल हो जाएगा। देखिए जी, देखिए ये, देखिए टाइम चेक कीजिए, ये टाइम नोट कीजिए। ठीक है, 3 PM पर मैंने कर दिया, सेम टाइम पे मेरे को वेरिफिकेशन का ईमेल आ गया कि हाँ वेरीफाइड हो गया। तो ऐसा आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये ईमेल है जो गूगल एडसन की तरफ से आया और ये वेरिफिकेशन का है। ओके जी, थैंक यू, चलिए दूसरा वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके अपना इश्यू लिख दीजिए, फिर मैं आप लोग को जवाब देगा। ओके, बाय, सी यू।